प्रश्न करने वाले ये तो बताएं कि कौन से नियम तोड़े गए हैं, कौन से नियम की पालना नहीं हुई। देश को मुस्लिम राष्ट्रपति देने की बात हो तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा हीरा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के रूप में। अरुणाचल प्रदेश के नवे गवर्नर अब्दुल नजीर दे हक च डट गए तरुण चुग। भाजपा दे नेशनल लीडर तरुण चुग ने खुल के उन्हां दा समर्थन किया। तरुण चुग ने सीधे तौर ते कहा है कि भाजपा हमेशा अजिहे फैसले लेंदी है जिस दे नाल देश दा विकास होवे। इस तो अलावा तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर दे विच होए डिलिमिटेशन दा भी समर्थन किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट दे फैसले दा स्वागत किया है। इस दे नाल ही भाजपा दे गुण भी गिनाए ने। आओ तुहानू सुनाने आ कि क्या तरुण चुग ने अपॉइंटमेंट हुआ है उसको लेके कांग्रेस की तरफ से एस अब्दुल नजीर के अपॉइंटमेंट को लेके लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रश्न करने वाले ये तो बताएं कि कौन से नियम तोड़े गए हैं, कौन से नियम की पालना नहीं हुई। भाजपा ने हमेशा ही सभी वर्गों को, सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है। देश को मुस्लिम राष्ट्रपति देने की बात हो तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा हीरा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के रूप में दिया। रामनाथ कोविंद जी जैसा एक बड़ा दलित समाज के लिए काम करने वाला एक चेहरा दिया। आज देश के अंदर एक एसटी ट्राइबल क्षेत्र से आकर राष्ट्रपति के रूप में बहन द्रौपदी जी हमारा नेतृत्व कर रही है, चाहे वो गवर्नर के पद हो चाहे मंत्री का पद हो। भारतीय जनता पार्टी ने सभी को मौका दिया है, सभी वर्गों को साथ लिया है, सभी समाजों को साथ लिया है, इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर ही हमारी सरकार चल रही है। जो विरोध कर रहे हैं वो बताएं तो सही, क्या नाजीर साहब क्वालिफाइड नहीं करते? राजनीतिक रोटियां मत सेके, अब राजनीतिक रोटियां सेकने का मौसम नहीं है, आगे बढ़ने का वक्त। डिलिमिटेशन की चैलेंज करने की पील डाली थी उसको डिसमिस करके डिलिमिटेशन जो लाए गए हैं परिसीमन उसको सही माना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, पूरा विश्व जानता है एवं मानता है कि भारतीय चुनाव आयोग एक निष्पक्ष स्वायत्त संस्था है और उसने निष्पक्षता से परिसमन की पूर्ण प्रक्रिया की है। परिसमन वैज्ञानिक तरीके से हुआ है और परिसमन की प्रक्रिया में बिना भेदभाव, बिना टापू सिस्टम किए एक साइंटिफिक तरीके से परिसमन हुआ है। अब अदालत ने भी परिसमन के फैसले को सही ठहराया है जो कि स्वागत योग्य है। मुफ्ती एवं अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर पर राजनीति करने वाले लोग हमेशा ही भारतीय इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते रहे हैं। अब उनकी 70 साल की दबाने, लुटाने, कुटवाने एवं छिपवाने वाली षड्यंत्र की राजनीतिक चालें अब नहीं चलेंगी, ये उन्हें अब समझ आया है क्योंकि साइंटिफिक तरीके से परिसमन हुआ है।